देख रहे हैं वो कैब्स के, ठीक है। तो कुछ टेक्निक भी मैं बताते चलूंगा आपको और बारी बारी से देखिएगा। चलिए पहला वर्ड हम देखते हैं SAVANT, सेवेंट। सेवेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट। क्या होता है सेवेंट का वर्ड, क्या होता है इंटेलिजेंट। अभी कैसे याद करोगे भाई, कैसे याद करोगे? राखी सावंत इंटेलिजेंट है। हाँ जी, है क्या? अब इंटेलिजेंट है या नहीं है वो हमें नहीं पता, समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? सावंत से फीलिंग आ रही है इंटेलिजेंट वाली, यस और नो? अरे बोलोगे नहीं, क्लियर है? बोलो क्लियर है, यस और नो? यस सर। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है डेवियस, डी ई वी आई ओ यू एस, डेवियस। डिवियस का मतलब होता है जिगजैक, जिगजैक, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं घुमावदार। अब देखो जैसे वैष्णो देवी गए हो आप लोग, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का जो मंदिर है, का जो रोड है ना, रोड, रोड कैसा है? डेवियस है, समझ रहे हो कि नहीं? यानी घुमावदार है, घुमावदार मतलब सीधा रास्ता नहीं है, मतलब घूम घूम के जाना पड़ता है, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? बोलो। जिगजैग मतलब नॉट स्ट्रेट, ठीक है, नॉट स्ट्रेट, सीधा नहीं है, नॉट स्ट्रेट, ठीक है। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला वर्ड है कॉवनेंट, सी ओ वी ई एन ए एन टी, कॉवनेंट। कॉवनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट, है ना? देखो इसको हम कैसे सोच सकते, याद करना हो तो कैसे कहेंगे? कौवा और एंट के बीच में, है ना? क्रॉ प्लस एंट के बीच में क्या हो गया, के बीच क्या हो गया बताओ? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया। कैसा एग्रीमेंट हो गया? कौवा और में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि कौवा ने बोला कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, है ना? कौवा और एंट के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया कि कौवा क्या करेगा, एंट को नहीं मारेगा, नहीं खाएगा, है ना? बहुत अच्छे दोस्त हैं ये लोग, समझे कि नहीं? यस और नो? अरे बोलो ना भाई, नहीं बोलते हो ये खराब लगता है मुझे। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, एक सेकंड, ठीक है। चलो मैं आपसे, अभी कुछ पढ़े थे आप लोग, आपसे मैं पूछता हूँ। अबेस बताओ जल्दी से, अबेस का मीनिंग बताओ। अभी आपने पढ़ा था, बताइए अबेस का मीनिंग बताइए। अबेस का मतलब क्या होता है? डिग्रेड, ह्यूमिलेट, एसेम्ड, है ना? सबसे एसेम्ड, एसेम्ड, एसेम्ड का अब कैसे याद करना है? ए बी से हो गया कौन? अभिषेक बच्चन, यस और नो? हाँ जी, अभी देखो स्पेलिंग गलत लिख दिया ना मैंने, अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन की शादी किससे हो गई जी? स्पेलिंग पे ध्यान मत देना भाई, नाम वाम में क्या रखा है। और ऐश्वर्या कौन है ये? ऐश्वर्या राय। और इन दोनों के बीच में अगर शादी हो गई तो किसको बुरा लग जाएगा? हु फेल्ट असेम्ड? सलमान खान। सलमान खान फेल्ट क्या? खान फेल्ट असेम्ड, है ना? अब क्यों हुआ? बाकी तुम लोग समझदार हो, है ना? ईमानदारी वाली बात है, फेल्ट असेम्ड। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो? हाँ जी, ठीक है, बोलो। यस और नो? यस। ठीक है,
ठीक है, आगे बताइएगा मुझे। अभोर का मीनिंग बताओ, चलो जल्दी से। अभोर का मीनिंग बताओ जल्दी से। हेट। हेट है ना। क्यों हेट? क्योंकि हेट क्यों? क्योंकि भोर में जगना, भोर से आप ये सोच सकते हो, भोर को सुबह बोलते हैं, सुबह बोलते हैं, और सुबह में सुबह सुबह उठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। सुबह उठना सबको क्या है, पसंद नहीं आता है। ठीक है, सुबह उठना लोग क्या करते हैं, हेट करते हैं, पसंद नहीं करते। यस और नो? हाँ जी, सही बात है केरी। आप बोलोगे इंग्लिश को हमें हिंदी में क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि फीलिंग तो हिंदी में ही आएगा। बात सही है कि नहीं? क्लियर है, समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यस अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका मीनिंग बताओ। ए बी ई वाई ए एन सी ई एबेंस, एबेंस का मीनिंग बताओ जल्दी से। एबेंस का मीनिंग बताओ जल्दी से। टेम्पररी सस्पेंशन। टेम्पररी सस्पेंशन, ये सीधा सीधा मुद्दे पे आओ ना। रेस्ट क्या याद किया, करवाया था मैंने, कैसे याद करवाया, कैसे याद करवाया था बताओ जल्दी से। अबे अपने भैंस को थोड़ा रेस्ट दे दो, कितना काम करवाओगे। अबेंस से क्या हो गया, अबे अपने भैंस को थोड़ा क्या दे दो, रेस्ट दे दो, कितना काम करवाओगे। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो अभी देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, कोई हंसेगा, कोई हंसेगा नहीं। हाँ, अबे मेरा का आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है, ये एक नया समस्या है। बढ़िया बात है, चलो अभी देखते हैं क्या पोजीशन है। अब ठीक है क्या? देखो तो अब जो बोलो, अभी ठीक है? हाँ बराबर है अभी। अभी अपने क्या भैंस को क्या दे दो। अब अबे अपने को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अबेंस, क्या अबेंस, ठीक है, को क्या दे दो, रेस्ट दे दो। ठीक है, और रेस्ट दे दो, कितना काम करवाओगे भाई। सही बात है ना? आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड है ना, जरा देखते हैं अगला वर्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा 7 नंबर। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को सबको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ एबेस, ABAIC, एबेस का मीनिंग बताओ। एबेस का मतलब क्या है? डिग्रेड। डिग्रेड। डिग्रेड, ठीक है, डिग्रेड या ह्यूमिलेट कह सकते हैं। अब देखो इसको ए से सोच लो, ए का मतलब क्या होता है, निगेटिव बात, और बेस, अब जिसका कोई बेस नहीं है ना, जिसका कोई, चलो व्हाट्सएप स्टाइल में लिखते हैं, जिसका कोई बेस नहीं है, ये व्हाट्सएप स्टाइल है ना आप लोगों का, वो क्या है, अबेस है। यस और नो? पुअर भी बोल सकते हैं कि नहीं? यस और नो? हाँ भाई, पुअर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुअर भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर डिग्रेड ज़्यादा वर्ड ठीक रहेगा, तो वो अबेस है। ठीक है, जिसका कोई बेस नहीं है वो अबेस है, या पुअर भी आप बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। कम हो गया, पहले से अमीर था अब गरीब हो गया, अबेस है। यस और नो? चलो आगे बात करते हैं अगला। हम मैं देख रहा हूँ कितनी चीज़ें आपको याद है। अब मुझे बताओ अबेट, ABAT, अबेट का मीनिंग बताओ। यस बोलो। सर डिक्रीज। डिक्रीज है ना। एबेट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, क्या होना, कम होना, लेशन होना। ठीक है, कम हो जाना, फेड अवे, लेशन, कम हो जाना। अब मुझे बताओ कोई अगर बेट खेलेगा, बेट खेलोगे, बेट समझ रहे हो ना, जुआ, यस और नो, जुआ खेलोगे। हाँ जी, जुआ खेलोगे तो क्या होगा,
पैसे क्या हो जाएंगे हारने के बाद? पैसा हारने के बाद? हाँ, तुम लोग ये बोलोगे सर जीत भी तो सकते हैं। पैसा हारने के बाद क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, लेकिन जितना पैसा था, मतलब तुम 10,000 लेके गए और तुम्हारे पास सिर्फ 500 बचे हैं, तो 9,500 क्या हो गया? डूब गया। डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? देख लेना हिंदी का स्पेलिंग सही है नहीं है अपने हिसाब से, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं अपन, ठीक। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। एबेट भी क्लियर हो गया। अभी मुझे होता एबडिकेट, ए बी डी आई सी ए टी। एबडिकेट का मीनिंग बताओ, बताओ, बोलो 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 बोलो। रिजाइन। रिजाइन, बहुत अच्छा। रिजाइन, आर ई एस आई टी, रिजाइन या रिटायर, ठीक है। रिजाइन का स्पेलिंग सब लोग को पता चल गया होगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, आर ई एस आई जी एन, रिजाइन यानी छोड़ देना। अब जरा ध्यान से देखिए इसके अंदर हुआ क्या। देखो डिकेड से आप समझ सकते हो अभी दिक्कत। दिक्कत क्या होता है? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है ना। दिक्कत है काम करने में तो रिजाइन कर दो, है ना। अब सामने वाले ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, ये भी करो वो भी करो, ये भी करो वो भी करो। पहले नहीं देते थे लेकिन अब दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत है तो क्या कर दे? रिजाइन कर दो। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ऑफिस में आप जॉब करते हो, यस और नो, और यहाँ पे आप बैठे हो, सब लोग बैठे रहते हैं, आपको बहुत ठंड लगती है, क्या है? आपको बहुत ठंड लगती है ना, और बाकी सब लोग को पंखा चाहिए, एसी चाहिए, है ना। और एक दो दो लोगों को प्रॉब्लम है कि उसको पंखा नहीं, पंखा चाहिए और बाकी लोगों को पंखा नहीं चाहिए, तो मुझे बताओ प्रॉब्लम किसको है? मान लो 10 लोगों को फ़ैन चाहिए और 2 लोगों को फ़ैन नहीं चाहिए, है ना। तो क्या करना चाहिए? 10 लोगों की बात सुनेगा बॉस या 2 लोग की बात सुनेगा बॉस? 10 लोगों की बात सुनेगा। तो 10 लोग बोलते हैं कि मुझे पंखा, उनको पंखा चाहिए। 10 लोग बोलते मुझे पंखा चाहिए, 2 लोग बोलते पंखा नहीं चाहिए, तो ये लोग कंप्लेन लेके गए सर हमारे जो है ना, ठीक है बराबर ना। तो क्या बोलेगा वो? तो क्या बोलेगा वो कि अभी दिक्कत है तो क्या कर दो? रिजाइन मतलब जॉब छोड़ के मत जाओ, इस रूम को छोड़ के चले जाओ। यस और नो? हाँ भाई क्लियर है कि नहीं? रूम को रिजाइन दे दो, इस रूम को रिजाइन दे दो, है ना। अभी दिक्कत है तो रिजाइन कर दो। तो एबडिकेट का मीनिंग आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई आदमी रिजाइन करे जॉब से कि सर मेरे फैन के वजह से रिजाइन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा? यस और नो? हाँ जी क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर, है ना। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। अच्छा अगला वर्ड है एबेरेंट। अगला वर्ड क्या है? एबेरेंट। स्पेलिंग बोलो एबेरेंट का, ए डबल बी ई आर ए एन टी। अब ये क्या हो रहा है? एबेरेंट का मीनिंग बताओ जल्दी से। मैंने बताया था आपको एबेरेंट का मीनिंग बताइए। एबेरेंट का मतलब क्या होता है? ऑड, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, यस और नो, या फिर नॉट स्टैंडर्ड। सही बात है। कैसे याद रखेंगे? अभी इतना रेंट, अबे इतना रेंट। अच्छा आपको पता है बैंड्रा में 3 BHK फ्लैट का रेंट कितना है? हाँ भाई मालूम है? अरे भाई मालूम है कि नहीं तुम लोग को? 3 लाख रुपया महीने का है। कितना है? 3 लाख पर मंथ रेंट है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? हाँ जी
भाई आवाज़ यस सर, तीन लाख यस 3 लाख रुपए पर मंथ है, तो एक 1 BHK लोगे तो 1 लाख रुपए पर मंथ, 2 BHK लोगे 2 लाख रुपए पर मंथ, 3 BHK लोगे तो 3 लाख पर मंथ, बराबर? यस, ठीक है। और ख़रीदना है तो जितना अमाउंट है उसका 400 गुना कर दो, 400 टाइम्स, यानी 12 करोड़ रुपए। तो एक छोटा सा अमाउंट है 12 करोड़, ठीक है, और आप फ्लैट खरीद सकते हो बैंड्रा में 3 BHK, ठीक है, एकदम सी फेसिंग, बराबर ना? हाँ, अगर थोड़ा समंदर के पास जाना है तो 35 करोड़ रुपये से स्टार्ट होगा। सी व्यू चाहिए कितना मिल लगेगा आपको? ओनली 35 करोड़, यस और नो? चलिए, अबे इतना रेंट तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एबे रेंट, यस और नो? बोलिए, यस, क्लियर है? चलो, अब 11 नंबर देखेंगे, आगे का बात देखते हैं। अगला वर्ड है एबेट, ABET, एबेट, इसका मीनिंग बताओ जल्दी से, इसका मीनिंग बताओ जल्दी से। मैंने बताया था एनकरेज टू डू रॉन्ग थिंग। एंकरेज टू डू रॉन्ग थिंग। अब मुझे बताओ, अगर अभिषेक बोल रहा है कि बेट लगा तो गलत काम करने के लिए इंकरेज कर रहा है ना, यस और नो? इंकरेज टू डू रॉन्ग थिंग्स, गलत काम करने के लिए उकसाना, ठीक है। अब बेट लगाने के लिए भी बोल रहा है, जुआ खेलने बोल रहा है, तो क्या अच्छी बात कर रहा है? वो बोल रहा है कि डबल हो जाएगा पैसा तेरा, ट्रिपल हो जाए, लेकिन हार गए तो, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो, ऐसे अमित बेट लगाने के लिए क्या कर रहा है, इंकरेज कर रहा है, यस और नो? यस देखो, मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, कर रहा है जो क्या है, गलत है। और अगर तुमने बेट लगा लिया और पैसे डूब गए तो जिंदगी बर्बाद हो गई, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? चलो, आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, कहाँ तक कर लिए थे? 11 तक कर लिए थे, 12 नंबर देखते हैं, ठीक है। अगला वर्ड मैंने आपको एबहोर करा दिया है क्या, लिखा दिया क्या? लिखा दिया। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट नहीं लिखा है शायद, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? पुअर, यस और नो? अनहैप्पी लोग, जो लोग नाराज, yes. जो गुस्सा रहते हैं, नाराज रहते हैं, उनको एब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्जेक्ट बोलते हैं। और पुअर क्यों बोलते हैं उनको भाई? जो लोगों चीज़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, वो चीज़ उससे दूर चली जाती है, और अगर वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो पुअर हो जाएगा ना। हाँ भाई, अनहैप्पी हो जाएगा, यस सर, स्क्रबल, ठीक है। तो ये सही है कि जो चीज़ मिल रहा है उसको रख लेना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, यस और नो? ठीक है कि नहीं? तो जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट है, एब्जेक्ट है, यानी पुअर आदमी है, यस और नो? तो जिसके पास, मेरे पास माँ है, पापा हैं, यस और नो? तो वो पूरा पुअर आदमी नहीं है ना, लेकिन जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे हो? कोई तो होना चाहिए ना भाई, माँ है पापा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर कोई तो होना चाहिए, यस और की नहीं? तो जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उस जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या है, बताओ जल्दी? एब्जेक्ट है, यस? हाँ जी,
क्लियर है कि नहीं? बोलो यस। यस सर। अगला वर्ड है एब्सिशन। एब्सिशन, ABSCI SSION। आप देखो इसके अंदर सीजर्स आपको दिख रहा है ना, कैंची दिख रहा है, कैंची देख लो, ये ऐसा है कैंची। और ज़्यादा कोई बोलेगा ना तो कैंची से क्या करते हैं, हाँ भाई अभिषेक बच्चन बहुत बोलता था तो ऐश्वर्या राय उसका जीव काट दी, समझ रहे हो? बोलते बहुत बोलते हैं आप, अभिषेक बच्चन ज्यादा बोलता था। ठीक है, तो एब्सिशन से आप सोच सकते हो सीजर्स, तो इसको क्या होता है कटिंग, क्या बोलते हैं, कटिंग ऑफ। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बोलो। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन अगर होगा तो क्या होगा, प्राइस कट हो जाता है भाई, प्राइस कट ऑफ हो जाता है कि नहीं? हाँ जी, नहीं बोलोगे? यस और नो? ठीक है, और आप इसके अंदर सीजर वर्ड भी दिख रहा है आपको, सीजर्स, और सीजर्स किसके काम आता है, काटने के काम आता है, यूज टू कट, यूज टू कट। क्लियर? 14। यस। चलो अगला है एब्सकॉन्ड, ABSCOND। बताओ इसका मीनिंग, बताओ एब्सकॉन्ड का मीनिंग। एस्केप। एस्केप, क्या ट्रिक था इसका? क्या ट्रिक है एस्केप या रन अवे? कैसे याद करोगे? अबे कांड करके भाग गया, याद, समझ में आया कि नहीं? बोलो, कांड करके भाग गया। यस, क्लियर है? नेक्स्ट, सबको याद हो रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बताओ, जरा बताओ मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ट्रिक कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है ट्रिक, बताओ। चलो चलो अगला वर्ड है एब्जॉल्व, ABSOLVE, एब्जॉल्व, इसका मीनिंग बताओ। बोलो ना, नहीं पता, बोलो बोलो, पता है क्या? पार्डन, पार्डन मतलब क्या, माफ कर देना, फॉरगिव कर देना, फॉरगिव कर देना या छोड़ देना। अच्छा मुझे बताओ, किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और बाद में उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो क्या आप उसको पकड़ के रखे रहोगे कि छोड़ दोगे, जाने दोगे? छोड़ देंगे। मान लो तुम चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, तुम बाइक से चल रहे थे और तुम्हारे की कोई सामने आ गया, जिसकी वजह से उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा गाड़ी का हेडलाइट टूट गया, क्या हो गया, हेडलाइट टूट गया, और उसको तुम क्या बोलोगे, बोलोगे या फिर कुछ करोगे कि भैया तुमने क्यों तोड़ दिया, तुम बीच में क्यों आ गए, क्या करोगे बोलो? रास्ते में तुम्हारे आ गया, तुम्हारा हेडलाइट टूट गया बचाने के चक्कर में, अब क्या करोगे बोलो, ईमानदारी से बोलो, जाने दोगे उसको या फिर तुम उसका बदला लोगे, हेडलाइट के बदला सामने वाले का हेड तोड़ दोगे? हाँ जी, हाँ जी, अरे बोलो ना भाई, धो डालोगे, बताओ ना ईमानदारी से, पिटाई करोगे उसकी?
लेकिन सामने वाले को बोले कि तुमने बीच में आगे मेरा हेडलाइट तोड़ दिया। या फिर ऐसे सोचो कि तुम चल रहे थे बाइक से और पीछे से किसी ने बाइक में धक्का मार दिया और पीछे का हेडलाइट टूट गया। पीछे का लाइट होता है ना रेड वाला, समझ रहे हो कि नहीं, वो टूट गया। तो अब क्या करोगे तुम बताओ, ईमानदारी से बताओ क्या करोगे, जाने दोगे उसको या बोलोगे कि भाई साइड में लगा ले नहीं गाड़ी, सर, साइड में गाड़ी लगा ले भाई ईमानदारी से। क्या करोगे, फॉरगिव करोगे, पार्डन करोगे कि छोड़ दोगे, जाने दोगे, माफ कर दोगे, कोई बात नहीं होता है, इट्स ओके, भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा, या फिर क्या करोगे, उसकी गाड़ी फोड़ देंगे। फोड़ दोगे। लेकिन सामने वाला तुरंत 2,000 रुपये का 5 नोट निकाल के दे दिया, 10,000 रुपया, भाई जाने दे यार, तुरंत वॉलेट से बोला भैया टूटा ना, 1 सेकेंड सर, टेंशन ना लीजिए, मैं अंबानी परिवार से हूँ, अंबानी जी मेरे परदादा लगते हैं, हाँ जी, तुरंत 2,000 का 5 नोट निकाल के दे दिया तुमको, जबकि हेडलाइट है तुम्हारा 500 रुपये का, कितना दे दिया, 10,000 रुपया। अब क्या करोगे, टांग तोड़ोगे उसका, सर छोड़ देंगे, छोड़ बस देखो ईमान बदल गया लोगों का, मैं वही तो बोल रहा हूँ, देंगे। छोड़ दोगे ना, 10,000 रुपया दिया भाई, यस 10,000 का मुआवजा भर दिया उसने तुम्हारे सिर्फ हेडलाइन के लिए, जबकि हेडलाइट तुम्हारा 500 हज़ार 2,000 का आएगा ज़्यादा ज़्यादा, और 10,000 2,000 का 5 नोट निकाल के तुरंत वॉलेट से दे दिया। तो तुम क्या कहोगे, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जाने दो, देखो अब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, है ना, नहीं समझे, अब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, जाने दो, रिलीज कर दो, अब क्या हो गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, यस और नो, अब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, नहीं समझे क्या, बताओ ना जरा ईमानदारी से, समझे समझे ना, समझे सर, अब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, हो गया प्रॉब्लम, फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो, यस और नो। लेकिन सामने वाला तुम्हें देगा 10-50 रुपये, सामने वाला देगा 50 रुपये तुम्हें, तो हाँ भाई 50 रुपये तुमको देगा, सर ये हेडलाइट आप बनवा लेना, फेविक्विक चला निकाल मेरे 5 रुपये। तो फिर क्या होगा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 5 रुपये के फेविक्विक से? एक आता है ना, एक टीवी में ऐड आता था ना, एक बड़े कांच तोड़ दिया पीछे से, है ना, तो बोलता निकाल मेरे 5 रुपये, तूने पूरा हेडलाइट तोड़ दिया मेरा। अभी आता था कि नहीं टीवी पे ऐड, भूल गए क्या तुम लोग, है जी, यस, अब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, फॉरगिव कर दो, यस और नो, भाई बोलो यस। यस सर, आगे देखते हैं, कौन सा नंबर, ठीक है, कौन सा वर्ड कर लिया हमने, कितने कर लिए, कितने वर्ड कर लिए बताओ जरा ईमानदारी से, बोलो कितने कर लिए, नहीं बोलोगे तुम लोग, कमाल के लोग हैं भाई, 15 कर लिए ना, 15 कर लिए। अगला वर्ड नंबर 16, ठीक है, चलो देखते हैं, अगला वर्ड है एब्स्टेन, ABSTAIN, एब्स्टेन,
बताओ एब्सटेन का मीनिंग क्या है, बोलो एब्सटेन का मीनिंग क्या है, जल्दी से बताओ, बोलो, याद है, जानते हो? हाँ भाई, अरे बोलो, नहीं पता है ना कि पता है? नहीं बोलोगे? पता है या नहीं है? नहीं पता है। तो जल्दी बोल दो ना भाई। अच्छा मैं तुम लोग से एक टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ रिच का मतलब क्या है, क्या होता है? अमीर। अमीर। तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग, बोलते हो इतना सर मुझे नहीं आता, कितने जीनियस लोग हो तुम। अभी एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, मैं टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? मुझे बताओ गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, जीनियस लोग हो तुम लोग, इतना कुछ जानते हो फिर एब्सटेन का मीनिंग नहीं बता पाते, कमाल के लोग हो, है कि नहीं? बैक टू बैक दो क्वेश्चन का आंसर तुमने दे दिया। चलो अब थोड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं, एब्सटेन। देखो क्या है मामला, ये है कि जो लोग जिम जाते हैं वो क्या बनाते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं। हाँ भाई, सिक्स पैक बनाते हैं ना, लेकिन एप्स बनाते हैं ना, एप्स बोलते हैं ना, एप्स, एप्स में स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन का मतलब, हालांकि स्ट्रेन है यहाँ पे, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, खिंचाव, ठीक है? एप्स में स्ट्रेन हो गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मुझे बताओ कि खिंचाव हो जाएगा तो बॉडी बिल्डिंग के, अब मान लो कि अगले दिन बॉडी बिल्डिंग का तुम्हें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है चैम्पियनशिप में, और तुमने कुछ ज़्यादा एप्स पे काम कर दिया, खिंचाव हो गया और दर्द हो गया, तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे? तो क्या आएगा, डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? मतलब बॉडी में एब्स में क्या आ गया, एब्स में क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया, ठीक है? हालांकि मीनिंग थोड़ा अलग है लेकिन फिर भी काम चला लेना, खिंचाओ, स्पेलिंग देख लेना, खिंचाओ आ गया, आ गया इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, यस और नो? हाँ जी। चलो अगला वर्ड देखो, ध्यान से देखो, एब्स्टेमियस क्या है? एब्स्टेमियस, एब्स्टेमियस, ए बी एस टी ई एम आई ओ यू एस, क्या आपको नहीं पता है? बोलो। नो। नहीं पता है। देखो इसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिनाइंग। अच्छा ये बताओ, जो आदमी वेजिटेरियन है वो कभी नॉनवेज खाएगा? जो आदमी वेजिटेरियन है वो नॉनवेज खाएगा? नहीं खाएगा ना। जो आदमी वेजिटेरियन है वो नॉनवेज नहीं खाएगा, यस और नो? क्यों भाई? सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन है। क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन है, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? सेल्फ डिनाइंग मतलब, अब जरा ध्यान से देखो इसको याद कैसे करेंगे। देखो कुछ लोगों को राइस पसंद नहीं है, पता है आपको? उनको सिर्फ चपाती पसंद होता है, राइस पसंद नहीं होता है। क्यों? नींद आती है, है ना? क्या आती है? नींद आती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब स्टीम राइस नहीं खाना,
अब स्टीम मतलब क्या होता है? गरम गरम चावल। गरम गरम चावल खाएंगे तो क्या होगा? स्टीम राइस नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। यस और नो? अब स्टीम राइस नहीं खाएंगे, ठीक है? क्या है ये? मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है। क्यों भाई? आपको पता है राइस कौन नहीं खाता है? जिसको डायबिटीज़ होती है। तो एक बात बताओ, चावल जो है नहीं खाएंगे, स्टीम राइस कैसा भी चावल नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे भाई? बताओ क्यों नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? क्या है उस सामने वाले प्रॉब्लम? सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है बताओ? डायबिटीज़ है भाई। यस और नो? बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई, यस सर, ठीक है। यस सर, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे अब अगला वर्ड आ रहा है, कोई हंसेगा नहीं, कोई नहीं हंसेगा, समझ रहे हो? ग्रम्पी, GRUMPI, ग्रम्पी। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को बोले बोला जाए, तुमने बोला कि मम्मी गरम हल्का सा पानी गरम करके ले आओ, मुझे पीना है। ग्रम्पी, GRUMPI, ग्रम्पी, ठीक है। अब ये बताओ, हुआ क्या कुछ ऐसा कि बिल्ली को जानते हो? बिल्ली, बिल्ली देखा है तुमने? हाँ जी, बिल्ली को देखा है। अब ये यस बताओ, बिल्ली गरम सर, ठंडा गरम दूध पीती है, ठंडा दूध पीती है? क्लियर कर लो पहले। ठंडा। ठंडा अब क्या हो गया? बिल्ली गरम गरम दूध पी ली तो उसका क्या हो गया? बैड टेम्पर्ड हो गई पागल हो गई बिल्ली, तांडव, बैड टेम्पर्ड, इरिटेट हो गई अरे उसको एक्चुअली बहुत जोर से भूख लगी थी, उसको लगा ठंडा दूध होगा, लेकिन बहुत गरम पी, गरम गरम पानी, गरम गरम दूध पी ली। इरिटेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? IRRITABLE, इरिटेबल। अब गरम पी, गरम। अब ये बताओ कि कोई आदमी तो इरिटेट नहीं होगा ना गरम चाय पी के? यस और नो? कुछ लोग हो भी सकते कि भाई चाय थोड़ा ठंडा दे देते, थोड़ा हल्का गरम रखना, गरम करके लाना, लेकिन गरम पी, गरम दूध पी, धो ऐसे होता है ना जी, पी कर, देखो गरम और पी, पी कर कैट क्या हो गई? बैड टेम्पर्ड हो गई, एकदम चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी, तांडव मचाने लगी किचन में। यस और नो? पूरा कांच का आइटम तोड़ दी गुस्सा से, वो समझ रहे हो? तांडव मचा दी, गरम दूध पीकर चाय क्या की? हाँ भाई, तांडव मचाने लगी। कौन? कौन? बिल्ली। बिल्ली। चलो अब देखो, अगला वर्ड है पेंसिव, PNSIVE, पेंसिव। बताओ इसका मीनिंग पता है आपको? हाँ भाई बोलो, पता है? अगला वर्ड है थॉटफुल। पेंसिव का मतलब होता है क्या? थॉटफुल, थॉटफुल। यस और नो? FUL है ये, चिंता। है ना? एकदम बिल्कुल सोच मग्न हो गए, थॉट, THOUGHT, थॉटफुल। अब देखो क्या होता है कि मम्मी ने बोला होगा बेटा ऐसा मत करना, भगवान पाप लिखेंगे, भगवान माफ नहीं करेंगे, पाप लिखेंगे, बोलते हैं ना भगवान पाप लिख देंगे, सुने हो ऐसा कुछ मम्मी पापा को बोलते हुए? हाँ जी सुने हो? आखिर ये पाप लिखते कौन है? ये जो सारे पाप जो लिखते हैं, तुमने इतने पाप किए, जाओ मच्छर में पैदा हो गए तुम अगले जन्म में, ठीक है, तुमने इतने पाप किए हो, मगरमच्छ में पैदा हो गए अगले जन्म में। यस और नो? यस और नो? और कुछ थोड़ा कम पाप किए हो तो कोयल में पैदा होगे, ठीक है, कबूतर में पैदा हो सकते हो, डिपेंड। तो
तो सवाल ये है कि पाप लिखता कौन है? मुझे बात कर लिए उससे। हाँ भाई, एक बच्चे ने बोला, पापा ने बोला कि बेटा भगवान पाप लिखेंगे। तो बोले कौन से भगवान पाप लिखेंगे, मुझे बात करनी है उनसे। यस और नो? तो वो शिव भगवान लिखते हैं। पेन किसके हाथ में है? शिव भगवान के हाथ में। यस और नो? हाँ भाई, शिव भगवान पेन लेके बैठ गए, समझ रहे हो कि नहीं? शिव भगवान, समझ रहे हो कि नहीं? है जो? हेलो? यस, शिव यस सर। भगवान जब पेन लेके बैठते हैं, पेन लेते हैं, पेन मतलब फॉर राइटिंग पर्पस। यस और नो? अब कोई चीज भगवान लिखेंगे कि इसने सच में पाप किया है कि नहीं किया है, तो सोच समझ के लिखेंगे कि ऐसे अपने मन से लिख देंगे, हाँ भाई तुमने नाम से 25 पाप लिख दिए, अगले दिन तुम्हारा पेट में दर्द हो जाएगा। कुछ छोटे मोटे पाप करोगे तो पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा। बड़ा पाप किए, किसी का खून खराबा जैसा सोचे तुम, सीधा हार्ट अटैक आएगा। यस और नो? हाँ जी, सीधा हार्ट अटैक। तो किसी का हार्ट तुमने ब्रेक किया तो हो जाएगा अटैक। क्लियर है कि नहीं? राइट? तो मम्मी पापा का बिल्कुल हार्ट ना ब्रेक नहीं करने का, नहीं तो सीधा अटैक हो जाएगा। तो ये सारा पाप जो लिखने का कार्यक्रम जो है, ठेका किस भगवान ने ले रखा है? शिव भगवान। शिव भगवान जब पेन लेकर बैठते हैं तो कौन से मूड में चले जाते हैं? बैठते हैं तो क्या हो जाते हैं? पेंसिव मूड में चले जाते हैं। यस और नो? पेंसिव हो जाते हैं। यस और नो बोलो। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बोलो। यस, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? देखो मुझे तो, मैं तो ग्रामर रूल भी आज करने का सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा थोड़ा इंटरेस्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा हम आगे बारी बारी से बढ़ेंगे। ठीक है, एक आखिरी वर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रामर करेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE। अच्छा, आप लोग को पता है जब कोई चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, जब शक आता है तो पुलिस वाले कैसे पूछते हैं? प्यार से पूछते हैं कि डंडा लगा, डंडा से पीटते हैं तो पूछते हैं? बता, जब वारदात के समय तुम कहाँ थे? सर सर पहले सर, प्यार से पूछते हैं। हाँ, पहले प्यार से पूछते हैं। अगर तुमने कांपना शुरू कर दिया, सर 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 सर, मैं वह वहाँ पर नहीं 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 था, बस। तो कांप क्यों रहे हो? तो क्या होगा वो? अब उससे प्यार से पूछेगा पुलिस वाला? हाँ भाई, इंस्पेक्टर प्यार से पूछेगा अब? हाँ भाई, दो झंडे लगाकर पूछेगा। अब तो बोलेगा चलो भाई इसको थर्ड डिग्री एंगल ले जाओ। कॉम्प्लेक्स, क्या? कॉम्प्लेक्स, पजलिंग, पजलिंग। अब जरा ध्यान से समझना। अब पुलिस वाले ने बोला अबे ट्रूथ बता दे, घुमा फिरा के बात मत कर मेरे। Every single day.